मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मणिपुर में महिलाओं के अत्याचार की देश भर में कहानी, मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की दिशा को दिन ब दिन तेज करती दिख रही है। इस आंदोलन की लहर अब धीरे धीरे महाराष्ट्र भर में एक के बाद एक देखी जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में मणिपुर महिला अत्याचार मामले को लेकर उठी विपक्ष की आवाज अब राज्य के कोने कोने में धधकती नजर आ रही है। ये तस्वीर मुंबई से सटे ठाणे इलाके के मानपाड़ा की है, जहां आप खुद देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि यहां पर ढेर सारी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता इकट्ठा होकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर की वारदात को लेकर नारेबाजी कर रही हैं। मोदी सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव शिल्पा सोनावने की ओर से किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने बाल काट कर मोदी सरकार की धिक्कार करती दिखी। इतना ही नहीं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग करते हुए बारिश के कारण गीली सड़क पर महिला कार्यकर्ता गिरकर अपनी विरोध जताया है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी महिलाएं और युवाओं ने हिस्सा लिया है। इस पूरे आंदोलन को लेकर शिल्पा सोनावने महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मणिपुर में दो लेडीज लोग के विवस्त्र करके दिन निकाली गई है, उनके ऊपर सामूहिक अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। इस निषेध का हम लोग यहाँ निषेध करते हैं, इसलिए ये आंदोलन छेड़ा गया है। और वहाँ सैनिक की पत्नियों का अन्याय अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। माजी सैनिक वो बॉर्डर पे अपना देश के संरक्षण के लिए तैनात रहते हैं, उनके परिवार को अगर मोदी सरकार संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी नैतिक जवाबदारी नहीं है वो पद पे रहने की। इसीलिए उन्होंने ताबड़तोब उन्हें तत्काल उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। ये मेरा महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के तरफ से और समस्त भारत और के महिलाओं के तरफ से निवेदन है, मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, राजीनामा दिया, राजीनामा दिया, राजीनामा किया गया है। क्या कहेंगे उसके बारे में? बाल भी काटे हैं, बाल काटे हैं, बाल काट के हम लोगों ने, महिलाओं ने, तभी तो मतलब महिलाओं के भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस बाल काट के हम लोग ये दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं कि हम कौन से भी हद तक हम पहुंच सकते हैं। अगर दोनों ने राजीनामा नहीं दिया तो मोदी सरकार जवाबदार व्यक्ति है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ वो अगर बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, राजीनामा नहीं देंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से होगा। आज इसका ये छोटा सा उदाहरण है, इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। जवाबदारी मोदी सरकार ने लेनी चाहिए और राजीनामा देना चाहिए और बलात्कारी लोगों का फांसी होना ही चाहिए। ये मेरी मांग है मोदी सरकार से, चले जाओ, चले जाओ।